सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस ऑफ प्लीज और काइंडली। वी आर लर्निंग पैसिव वॉइस एज इम्पेरेटिव। दिस इज द पार्ट्स ऑफ प्लीज और काइंडली रिलेटेड सेंटेंसेस। गाइज, द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली शो रिक्वेस्ट, अर्थात वे सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली को शो करते हैं, ऐसे सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो करते हैं। अर्थात किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज आ जाता है इम्पेरेटिव रूप से, काइंडली आ जाता है, इट मीन्स दो सेंटेंसेज शो रिक्वेस्ट। इसलिए आज हम प्लीज और काइंडली से रिलेटेड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वो सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर को देख लेंगे अपन। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में प्लीज और काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट मीन्स होता है शेष, बाकी। अर्थात सबसे पहले वी विल रिमूव द वर्ड्स प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ में जो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, उस फर्स्ट फॉर्म को इनके साथ में ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या करना, आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करना है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज एंड काइंडली वर्ड्स आर रिमूव्ड। प्लीज को बैठा देंगे और काइंडली को भी हटा देंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉइस। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे अभी, प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क, इस कार्य में मेरी सहायता करें। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज को रिमूव करेंगे तो क्या हो गया, हेल्प, हेल्प को टू के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद में हेल्प फर्स्ट फॉर्म, हेल्प मी इन दिस वर्क, इन दिस वर्क। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस कार्य में मेरी हेल्प करें। काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब मी, इम्पेरेटिव क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने भी नेगेटिव बनाएंगे, नॉट टू, You are requested not to disturb me. Not to disturb me. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। आपसे निवेदन किया जाता है कि आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करें। यहाँ पे प्लीज देखो लास्ट में है तो अपन हटा देंगे इसको, तो टैग फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, You are requested to take this seat. You are requested to take this seat. और ये पैसिव इसका वाक्य है। तो गाइज, प्लीज और काइंडली वाले ये सेंटेंस थे, ईजी है। इसमें प्लीज और काइंडली वर्ड को रिमूव कर दो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हम सेकेंड में बात करते हैं सेंटेंसेस ऑफ लेट। लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को क्या करें, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता ही मेन सेंटेंस है लेट है, जिनके बारे में बात करेंगे। इट लेट इज यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स।
लेट क्या करते हैं, विभिन्न अर्थों में इसको यूज करते हैं, विभिन्न जो मीनिंग्स हैं इन ए सेंटेंस। देखो जहाँ जहाँ भी वेयर एवर इट इज़ यूज, जहाँ जहाँ इसका उपयोग होता है वहाँ वहाँ लेट का मीनिंग जो होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट लाइन भी यही कह रही है कि लेट इज़ यूज इन डिफरेंट मीनिंग्स इन ए सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर लेट विभिन्न अर्थों में यूज किया जाता है। देयर विल बी चेंजेस इन पैसिवस इन द सेम वे, तो पैसिवस के अंदर भी उसी प्रकार से उसका चेंज होगा। अब यहां पे फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, लेट मी प्ले, तो यहां जो लेट यूज किया गया ये शो करता है कि लेट मी प्ले मीन्स शू वांट परमिशन, यानी लेट मी प्ले, मुझे खेलने की परमिशन दो। इसका मतलब आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं, परमिशन। तो यहां पर लेट यूज किया गया परमिशन के लिए। तो परमिशन के लिए जब लेट यूज किया जाता है तो यहां पर उसको अलग यूज किया जाएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहां एक प्रकार से लेट के बाद में आने वाले ये भी ऑब्जेक्ट ही हैं। तो यहां इस मी है, मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई आई। और जब ये परमिशन के लिए यूज किया जाता है तो इसको हम यूज करते हैं आई मे बी, आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड। और दूसरी वर्ब क्या बन गई, दूसरी वर्ब बन गई अपनी आई मे बी अलाउड प्ले के लिए, टू प्ले। और ये हो गया पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब हमें पता लगे कि ये परमिशन के लिए यूज़ किया गया है तो हमें उस प्रकार से यूज़ करना है। अब नेक्स्ट में लेट अस हेल्प द पुअर, तो ये आपको पहले भी समझा चुके हैं कि मॉरल एडवाइस के लिए हम शुड बी यूज़ करते हैं, मॉरल एडवाइस के लिए शुड बी यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर जो लेट यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, मॉरल एडवाइस के लिए। तो मॉरल एडवाइस के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है द पुअर, द पुअर, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। और यहाँ पर इसको हम क्या बना देंगे, बाय अस, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पे बाय अस का प्रयोग नहीं करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। अब है लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, तो इसमें क्या करना है, ये सेंटेंस में लेट से प्रारंभ किया गया तो इसमें सजेशन है, इसमें क्या है, सजेशन है। तो यहाँ पे सजेशन है तो क्या करें, और वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है तो क्या हो जाएगा, ए पार्टी ए पार्टी शुड बी, ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, तो यहां इसका मतलब हम बात कर चुके हैं कि ये सेंटेंस कैसे हैं, लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। अब यहां पे नॉट यूज किया गया है, इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होंगे बात करेंगे, तब क्या करेंगे, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लेट। अगर कोई सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो रहा है तो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लेट, लेट का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब सजीव ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इस मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बाय इन पैसिव वॉइस, वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के अंदर जो बाय प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इज यूज्ड आफ्टर द लेट इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो यहां पर इसको इतना समझ लीजिएगा कि कोई सेंटेंस लेट से प्रारंभ किया गया है तो क्या करेंगे, जो सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको बाय के साथ में यूज कर लेंगे और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लेट के साथ यूज कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लेट से प्रारंभ किए गए हैं, तो लेट में अभी हमने नीचे लिखवाया आपको नोट कि लेट के वाले सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो लेट का ऑब्जेक्ट है और एक वैसे ऑब्जेक्ट है। इसमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है हिम, और किकेट निर्जीव है। तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव, उसको तो लेट के साथ में यूज़ करेंगे, सेंटेंस को लेट से ही प्रारंभ करेंगे। लेट फर्स्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिकेट, लेट क्रिकेट, आपको पता है बी यूज करते हैं, बी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, प्लेट। और जो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हिम हो गया। तो ये क्या हो गया, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर टी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के साथ यूज करेंगे, लेट टी, लेट टी बी, और थर्ड फॉर्म मैट, लेट टी बी मैट, और बाय बाय हर, और ये पैसिव वॉइस हो गया। ये सेंटेंस भी ऐसा है, इसमें हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दिस वर्क क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लेट के साथ किसको यूज करेंगे, लेट लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डू का पास्ट पार्टिसिपल डन, और बाय हिम। गाइज आपको पता होना चाहिए कि ये था इंपेरेटिव सेंटेंस, हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आप टोटल जो पैसिव वॉइस हमने पढ़े हैं उसमें एक रूल और समझते हैं आपको, अदर इम्पोर्टेंट रूल ऑफ पैसिव वॉइस। देखो कुछ वर्ब्स होती हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लेट बिड हेल्प एंड मेक, ये वर्ब्स क्या होते हैं, आर यूज्ड विथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव विदाउट टू इन एक्टिव वॉइस। जब एक्टिव वॉइस में इनको यूज किया जाता ना तो इन्हें क्या यूज किया जाता है, मतलब डायरेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में यूज करते हैं। यहां पे देखिए उसमें बैड आ रहा है, तो बैड के बाद में जो वर्ब आ रही है वो विदाउट टू है। यहां पे देखो हेल्प आ रही है, तो हेल्प के बाद में जो वर्ब आ रही है वो क्या है, विदाउट टू है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनिटिव। तो हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जब ये वर्ब यूज, हम लेट के बारे में तो समझा चुके हैं, अब बचा बिड हेल्प एंड मेक। जब ये एक्टिव वॉइस में यूज की जाती हैं तो क्या किया जाता है, यूज की जाती हैं तब इन्हें विदाउट टू यूज करते हैं, लेकिन बिड हेल्प एंड मेक आर यूज्ड विथ टू इन पैसिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस में इनको यूज करते ना तो इनके साथ में हम टू यूज करना है, ये हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम को इधर लाएंगे ही हो गया, ही
सेकेंड फॉर्म है बैड बीड बैड बिडन ही, तो यहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही वॉज बिडन ही। सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ वॉज बिटन ही वॉज बिडन, तो यहाँ पर आप टू यूज करेंगे, टू लीव। हम यही समझाना चाहते हैं कि पैसिव वॉइस में ये बिड वर्ब है उसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ही वॉज बिडन टू लीव लीव द रूम, लीव द रूम और बाई बाई मी, ये पैसिव वॉइस का हो गया। सेकेंड देख लो इसको, यहाँ पर आई है, आई वर्ब है मस्ट, मस्ट के साथ क्या यूज करेंगे, बी, आई मस्ट बी, यहाँ हेल्प है, आई मस्ट बी हेल्प्ड। फिर यहाँ टू यूज करेंगे, टू फिनिश, I must be helped to finish the work. The work, यहाँ पे देखो by them आप लिख भी सकते हैं और इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया I must be helped to finish the work। आगे एक एग्जाम्पल और है, थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। I, थर्ड एग्जाम्पल, I made him wash all the clothes, मैंने उसे सारे कपड़े धुलवाए। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे him को इधर लाएंगे तो ही हो गया, ही ये सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, वॉज वर, ही वॉज मैड, ही वॉज मैड, यहाँ पर टू यूज करेंगे, टू वॉज, ही वॉज मैड टू वॉज ऑल द क्लोथ्स, ऑल द क्लोथ्स और बाय मी। ये पैसे उसका हो गया। अब गाइस मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस पैसे वॉइस के टोटल चैप्टर्स को। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को लेक्चर फर्स्ट टू लेक्चर सिक्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में लेक्चर फर्स्ट से लेक्चर सिक्स हैं, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में लेक्चर फर्स्ट टू लेक्चर थर्ड, और इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी लेक्चर फर्स्ट टू लेक्चर थर्ड में डिवाइड किया है। पूरे पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको टोटल ये 12 लेक्चर्स आपको सुनने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि यू विल कंस्ट्रक्ट एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत इजीली आपको समझ में आए होंगे और समझेंगे।